अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है। मैं कहता हूँ सब दोस्त खैर वाफियत होंगे, अल्लाह करम फजल से आप सब की दुआ से हर कलो करते हैं शुरू। तो आज जुमे का दिन था और मौसम बहुत प्यारा था, आप देख सकते हैं। तो इसलिए हमने तमाम दोस्तों ने सोचा कि आज क्यों ना क्रिकेट खेली जाए, इसलिए हम जा रहे हैं ग्राउंड में, सब फ्रेंड जा रहे हैं और आज खूब इंजॉय होगा इंशाल्लाह ताला। मोबी हेड वाला और इधर वो खोते दो खड़े और रास्ते में दो बग्गी नजर आई और इसमें सवारी करना चाहते थे हमारे दोस्त तमाम, लेकिन उन्होंने फैसला किया नहीं। अभी पहले गेम, उसके बाद जो सरतफरी होगी उसके बाद की जाएगी। और आप देख सकते हैं मौसम कितना ही सुहाना है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, रात सारी बारिश होती रही है और मुजीब साहब भी नहा लिया इन्होंने काफी अर्से बाद। मुनीब भी साहब का कहना है कि इस कॉलोनी में हम खेलते हैं, लेकिन ये हमारा फैसला है, जो होटल फैसला है वो है ग्राउंड में खेलने का। हम काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल के पास और जो हमारे प्लेयर्स हैं वो काफ़ी थक चुके हैं, उनको थकावट महसूस हो रही है। रावी पे पहुंच चुके हैं और यहाँ रावी के पुल के ऊपर भी पानी खड़ा हुआ है काफ़ी सारा। 10-10 ओवर है हमारे मैच के और हमने टॉस लूज कर दिया, उन्होंने टॉस जीत कर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, जिसकी वजह से सिर्फ 97 स्कोर बन सका। और इधर से हफीज भाई स्पेशल अबू धाबी से मैच को एंजॉय करने के आए हैं और पहली बॉल पर उठा दिया है 4 रन के लिए अब्दुल्ला ने और बॉल रुक गई थी, 1 रन मिलेगा। हमारे लास्ट प्लेयर आ गए और हम ये मैच को तकरीबन 100% लूज कर चुके हैं। पहला मैच में हमें 94 रन के ताकत में पाकिस्तान टीम की तरह 20 पे ऑल टीम आउट हो चुकी है और ये भी इजी कैच छोड़ दिया नुमान भाई ने। और अगला मैच लगाएंगे इंशाल्लाह ताला, वो पूरी कोशिश करेंगे विन करने का, टारगेट होगा और 200 का इंशाल्लाह नुमान भाई की प्रेडिक्शन है। ओह बैक सेक्स भाई अफेल और कान को टच करते हुए बाल फिर से भाई से पूछते हैं कैसा महसूस हो रहा है, चक लगा के कैसा महसूस हो रहा है। अच्छा महसूस हो रहा है। और ये हमारा जो आजम खान है वो बैठे हुए हैं 3-4 ओवर मिस करने के बाद जो चल गया है। हफीज भाई 37 रन पर पहुंच चुके हैं, देखते हैं वो क्या करते हैं इस मैच को, की नहीं को पार लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। 25 शॉट 1 रन का काल है और गए थे अब्दुल्ला भाई अगले मैच की टॉस आ रहे हैं। आखिरी खिलाड़ी रह गए हैं तलहा और हल्का सा एज लेकिन कैच पकड़ने में नाकाम। ओह मैच जीत गया और छक्का मारा है मनीब ने और मनीब ने की बात पे मनीब ने छक्का लगाया और हम जीत चुके हैं। बदल छाए हुए हैं आप देख सकते हैं और हर तरफ ग्रीनरी नजर आएगी आपको। तो हम मैच जीत चुके हैं, 1-1 की सीरीज बराबर हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं राजा क्राम के पास खत कराने और क्योंकि काफ़ी बड़ा खत हो चुका और इकराम भाई अभी मसरूफ़ हैं सईद साहब की खत करा रहे हैं और अभी हम वेटिंग लिस्ट में पड़े हुए हैं। मेरा तो सुना हो गया नहीं हो गया, मेरी वीडियो नहीं बनाई यार, नहीं सुना, वीडियो नहीं बनाई यार साड़ी यार, मैं एक स्पेशल कैमरा मैन का पेपून मैं कोने देने गई थी, जो तुमने कुछ है हवा पे दे तो मेहरबानी होगी ना भाई का ते देखो उम्मीद ना रखे। रास्ते में मैं मुन्ना भाई मिल गए हैं, मुन्ना भाई कॉलेज से आ रहे थे और मुन्ना भाई क्या हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाए शेर भाई, आप क्या स्टडी हो रही है आज। कुछ नहीं बस वही बीएस कर रहा हूं, चौथा सेमेस्टर चल रहा है। चलो माशाल्लाह आपको काम लेते हैं। हां दो लिया तो नहा दो कर चलते हैं जुमे की तरफ, चेंज कर लिए कपड़े तो जमा पड़ते हैं अभी। इंदा का दालिका नजदीम सीनी
जुमे अच्छा बहुत अच्छा खुतबा दिया इमाम साहब ने। उसके बाद मैच था चावन फोरा में, तो हम मैच देखने आए हुए हैं, तो काफ़ी कसी तादाद में शौकीन पहुँचे इस मैच को देखने के लिए। और डॉक्टर साहब, डॉक्टर कमोल साहब प्राइस अंजाम देते हुए मंत्री के काफी थी, इसलिए हम रास्ते में गोले ले लिए मैंने मजीद ने। तो आज कब लोग कहते हैं यहाँ पे खत्म, फकीर ना इस सदा कर चले, मियाँ तुम खुश रहो, हम दुआ कर चले।